वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मेरा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, मिचबिल द ऑटर। इस चैप्टर का नाम जो है इसलिए पढ़ा है कि ऑटर एक ऊदबिलाव होता है और उसका नाम ऑथर ने मिचबिल रख दिया। तो मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। कहानी सुनाने वाला जो है ऑथर, उसका नाम जो है गेविन मैक्सवेल है। वो ये कहानी सुना रहा है कि मेरा जो कुत्ता था ना, मैंने सालों से एक कुत्ता पाला था, मेरा जो कुत्ता था वो मर चुका था, जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि बचपन से मैंने अपने साथ कोई ना कोई एनिमल रखा है, तो मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं ना दोबारा कोई डॉग नहीं पालूंगा, अब मैं एक ऑटर पालूंगा। ऑटर मतलब एक ऊदबिलाव पालूंगा। और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये 1956 चल रहा है, 1956। अब जो हमारा ऑथर होता है वो रहता है स्कॉटलैंड में, मतलब इंग्लैंड में ही रहता है, ब्रिटेन में ही रहता है। तो वो किसी काम से इराक गया होता है। इराक में उस समय जो है ना, इंग्लैंड से कोई, यूरोप से कोई मेल भेजा गया था, वो उसे लेना होता है अपने दोस्त और उसके साथ। टाइम 1956 चल रहा है, तो उस टाइम इंटरनेट तो होता नहीं था, तो उसे इराक से लेना होता है। अब क्या होता है, जो ऑथर होता है उसका मेल तो आता नहीं है वहां पर इराक में, लेकिन उसके दोस्त का आ जाता है। अब वो परेशान होता है कि अभी तक क्यों नहीं आया मेरा मेल, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना इंटरनेट नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम होती। तो वो क्या करता है, वो कॉल करना कहता है कि मैं इंग्लैंड कॉल करूंगा। और ये टाइम 1956 है, तो इस टाइम का टेलीफोन करने के लिए भी बहुत परेशानी होती थी, 24 घंटे पहले इन्फॉर्म करना होता था। तो ऐसे उसने 3 दिन लगातार हुए कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो 3 दिन वो वहीं पर रहा। याद रखिए वो इराक में है, बसरा में है, वहां पर इंग्लैंड से स्कॉटलैंड से, वो स्कॉटलैंड इंग्लैंड एक ही है, मतलब एक है, वहां से इराक गया था मेल लेने। अब जब ये अब इसके साथ साथ एक स्टोरी ये भी चल रही है कि वो अपने दोस्त को बताता है कि ना मैंने सोचा है मैं ऑटर रखूं अपने साथ, यानी कि एक ऊदबिलाव रखूं। तो उसका दोस्त सुनता है, वो कहता है हाँ रख लो, नो प्रॉब्लम, यहाँ अरब में तो बहुत ऊदबिलाव पाला जाता है, यहाँ तो लोग बहुत पालते हैं और यहाँ तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, मच्छरों की तादाद में मिलेंगे, तो तुम यहाँ से ले लो। तो वो कहता है ठीक है, मैं अब जाऊँ ना ऑटर ही पालूंगा। और अरब में ही ये इराक ये सब यहीं पर है, और वो यूरोप में, यूरोप में उस टाइम ऑटर को कोई नहीं जानता था कि ऊदबिलाव होता क्या है, अरब में नॉर्मल था ये पालना। अब जो वो ऑफिस से जो है ना अपने बेडरूम जाता है होटल में, तो वहां देखता है वहां 2 अरब खड़े हुए हैं, और वो दोनों अरब जो है ना, वो एक डब्बा एक बॉक्स सा लिए हुए हैं या बोरा सा लिए हुए हैं, और एक पत्र लिए हुए हैं जिसके ऊपर उसके दोस्त का पत्र होता है, ये है तुम्हारा ऊदबिलाव। तो उसको उसका दोस्त ऊदबिलाव दे देता है। अब जब ऑथर कमरे में एंटर होता है, तो वो बक्सा जब खोलता है, तो वो देखता है उसमें से छलांग मार के ना एक ऑटर सा निकलता है। अब उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में कभी ऑटर को नहीं देखा होता। वो उसका अपीयरेंस इस तरह बता रहा है कि छोटा सा होता है, गिलहरी जैसा मुझे लगता है। शुरुआत का एक दिन तो क्या है, वो ऑटर जो होता है वो चुप रहता है, वो ना नफरत करता है ना प्यार करता है, वो उससे दूरी बनाए रखता है ऑथर से। तो ऑथर उसका नाम रख देता है मिचबिल। अब जो अगले दिन होता है, धीरे धीरे जो ऑटर होता है वो उससे फेमिलियर होना स्टार्ट होता है। वो उसके पास आता है, ऑथर के पास, उसके हाथ पर बैठता है, ठीक है, और वो उसे खाना खिलाता है, तो वो फेमिलियर हो जाता है, दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। अब ऑटर क्या कहता है, वो अब क्या होता है, ऑथर जो होता है वो ऑटर को नहलाने के लिए ना वो बाथरूम में ले आता है। अब बाथरूम में जब टब में उसे बिठाता है, नल खोलता है, तो ऑटर तो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी नहाता है और पानी के सामने बहुत बिल्कुल फिश की तरह लहराता है। तो ये देखकर जो होता है उसे बहुत खुशी आती है ऑथर को, और ऑटर जो है खूब छपाक छपाक वो उस टब में करता है। अब कुछ दिन वो साथ जाते हैं। अब क्या होता है, अब ऑथर को है ना अपने घर इंग्लैंड जाना होता है, वापस स्कॉटलैंड इंग्लैंड जाना होता है। तो वो जाने के लिए चिंता होता है कि यार इंग्लैंड की जो हवाई जहाज होता है वो तो मना करता है किसी भी एनिमल्स को ले जाने के लिए, मैं कैसे ले जाऊं। तो वो क्या करता है, वो ये कहता है कि मैं पेरिस का हवाई जहाज कर लूंगा, फिर पेरिस से इंग्लैंड में किसी तरह भी चले आऊंगा। तो ठीक है, वो पेरिस का एयरलाइन फिक्स कर देता है कि इस पेरिस में जाऊंगा, और साथ साथ उस हवाई जहाज वाले बंदों से क्या कहता है कि एक बॉक्स सा बना दें आप मेरे ऊदबिलाव के लिए, मैं इसको इसमें रखूंगा। अब इसके साथ साथ ऑथर ये भी कहता है कि एक दिन की बात है कि मैं जब अपने कमरे में एंटर हुआ, तो मैंने बाथरूम का गेट जरा सा खोला, तो मैं देखता हूँ ऑटर जो है चुपचाप बाथरूम में जाता है, टब में बैठता है, और अपने आप ही नल खोल के बहुत अच्छे से नहाता है, और नए नए गेम, पिंग पोंग बॉल के साथ खेलना, रबड़ बॉल के साथ खेलना, वो उसको खेलता है, और बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो दोनों एक दूसरे को देखकर।
अब समय आ गया था ऑथर का लंदन वापस जाना, तो वो क्या करता है, उसके पास वो बॉक्स आ जाता है, तो उस बॉक्स में थोड़ी देर के लिए मिजबल को, ऑटर को रख देता है कि मिजबल तुम यहाँ थोड़ी देर रहो। वो चाहता था वो फेमिलियर हो जाए। अब क्या होता है, वो दूसरे काम में लग जाता है। अब जब वो वापिस आकर देखता है कि जो बॉक्स है ना उसमें तो सन्नाटा है, और बॉक्स के बाद छोटे छोटे ना खून आ गया है, खून लग गया है। अब ये देखकर जो होता है ऑथर का दिल डर जाता है कि ये क्या हुआ। वो जल्दी जल्दबाजी में खोलता है तो देखता है कि ऑटर जो है ना चुपचाप बैठा होता है, और अपनी मुंह उसका थोड़ा कट जाता है। तो वो क्या करता है, उसका मुंह साफ कर देता है और बंद कर देता है, क्योंकि वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बस एयरलाइन उसकी जाने वाली होती है हवाई जहाज। तो वो उस डब्बे को लेके हवाई जहाज में बैठ जाता है पेरिस के लिए। फिर पेरिस से वो वहां से वो इंग्लैंड चला जाएगा, जैसे बाय रोड जाता है या कैसे जाता है। अब वो जैसे ही प्लेन के अंदर एंटर होता है तो वो प्लेन के अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, और ऑटर को जो होता है ना डब्बे को साइड में रख देता है। अब जो एयर होस्टेस होती हैं, एयर होस्टेस को बहुत अच्छा दिखाया है। एयर होस्टेस बताती हैं कि आप यहाँ हैं, आप अपने जो पैट को ना, अपने पालतू है आपका, अपने अपने पैरों पर रख लें ताकि वो थोड़ा फैमिलियर हो जाए। तो फिर ऑथर क्या करता है, उसे ऑटर का खाना देता है कि उसकी फिश है ये फ्रिज में रख दो, ठीक है। तो ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। अब जो एक ऐसी घटना होती है कि अचानक से डब्बा खुल जाता है और जो मिजबल होता है ना वो बाहर आ जाता है, तो सब चीखने चिल्लाने लगते हैं पूरे के पूरे प्लेन में। सब पागलों की तरह चीखने लगते हैं, कोई कहता है चूहा, कोई कहता है नेबला, पता नहीं क्या कहने के लगते हैं वो। एयर होस्टेस कहती है कोई बात नहीं, आप शांति रहे, मैं उसे पकड़ के लाती हूँ। फिर एयर होस्टेस से पकड़ के लाती हैं और डब्बे में रख देती हैं। अब जैसे तैसे जो ऑथर होता है वो लंदन अपने घर जाके पहुंच जाता है। अब जब वो लंदन जाता है तो वो बिल्कुल ठीक तरह से रहने लगता है, फेमिलियर हो जाता है मिजबल वहां की गलियों से, गेम खेलने लगता है। 1956 की बात है, लोगों ने ऊद बिलाय को, ऑटर को कभी देखा नहीं होता है, तो कोई लोग उसे नेबला बोलते हैं, कोई उसे भालू बोलता है, कोई उसे तेंदुआ बोलता है, लेकिन जो हमारा ऑथर होता है वो बिल्कुल उसे डॉग की तरह ट्रीट करता है, और उसके गले में पट्टा डाल लेता है और उसे सैर करवाता है, गलियों की सैर करवाता है। अब कहानी को खत्म करते करते हमारा ऑथर ये कहता है कि मैंने सबकी बातें सुनी, सबने इसे अलग अलग नाम से बुलाया, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे एक चीज पर हंसी आई कि जब मैं मार्केट में जा रहा था तो एक आदमी जो है वो जमीन को खोदने वाले ड्रिलिंग मशीन को खोद रहा था, उसने अपनी मशीन साइड रखी और ऑटर को देखते ही उसने बोला ये कौन सा जानवर है। तो यहां पर हो जाती है कहानी खत्म। तो ये इसमें ही बताया कि कैसे एक इंसान को, एक एनिमल लवर को एक पैट मिलता है जो कि ऊद बिलाय होता है, सामान्य पैट एनिमल से अलग, वो उसे पालता है, उसके साथ फैमिलियर हो जाता है। लोग कहते हैं क्या पाल लिया, निंदा निंदा करते हैं उसके, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इसको इस तरह पाल लेता है। तो मैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज ही गो टू बसरा, बसरा वो क्यों जाता है, हाउ लॉन्ग, कितनी टाइम तक वो वहां रहता है और वो क्यों रहता है। ही गोज टू बसरा टू कलेक्ट, वो बसरा जाता है कलेक्ट करने। आंसर, मेल फ्रॉम यूरोप, यूरोप से बसरा में एक मेल भेजा हुआ होता है, वो कलेक्ट करने वो जाता है, और बसरा कहाँ है, वो इराक में है। ही वेटेड देयर फॉर 5 डे, 5 दिन वो वेट करता है, क्योंकि कोई ना कोई खराबी हो जाती है जिसकी वजह से उसे मिल नहीं पाता, बिकॉज हिज मेल हैड नॉट अराइव, उसका मेल नहीं आता है, तो कॉल करना करता है वहां पर हो नहीं पाता कॉल, तो इसलिए उसे 5 दिन वहां रहना पड़ता है, अदरवाइज वो 1 दिन में ही आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट हैपन वैन मैक्सवेल टुक मिजबुल टू द बाथरूम, क्या होता है जब मैक्सवेल जो होता है ना वो मिजबिल को बाथरूम लेके जाता है। मैक्सवेल टुक मिजबिल टू द बाथरूम, ही वैन डिड विद जॉय, वो जॉय खुशी के मारे भर जाता है इन द वॉटर में, और हाफ एन आर आधे घंटे तक वो पानी में खुशी के मारे रहता है। ही मेड इनफ स्प्लैश, और खूब स्प्लैश करता है मिजबिल। 2 days later, अब 2 दिन की घटना है कि मिजबल एस्केप, मिजबल जो है वो भाग जाता है ऑथर के बेडरूम से एंड एंटर्ड होता है बाथरूम में। ही टर्न द टैप, टर्न मतलब खोल लेता है वो टैप मतलब नल, एंड प्रोड्यूस अ टिकल ऑफ वाटर, वाटर खूब सारा वो निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वॉज ओपन, जब बॉक्स एयरलाइन में खुल जाता है एरोप्लेन में तो क्या होता है। मिजबल वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से मिजबल बाहर आ जाता है। ही डिसअपीयर्ड और गायब हो जाता है। देयर वर क्राइज फॉर अ वुमन, एक औरत चिल्लाने लगती है, शी वॉज कॉलिंग, वो उसे बुलाती है एज अ रेडी, तो चूहा है।
द मैक्सवेल शो। मैक्सवेल और ये देखता है ऑथर कि डिसअपीयर हो जाता है, देखता है कि वो डिसअपीयर हो जाता है, जो मिजबल है वो डिसअपीयर हो जाता है इन द लेग्स ऑफ व्हाइट टर्बन इंडियन। एक सफेद पगड़ी, टर्बन मतलब पगड़ी पहना हुआ इंडियन होता है, उसके पैरों के बीच में से वो निकल जाता है। तो ये चीज मैक्सवेल देखता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वाइल स्टेइंग इन लंडन, जब लंडन में वो रह रहा होता है, लंडन आ चुका होता है वो, व्हाट वाज द पास्ट टाइम ऑफ मिज, मिज का पास्ट टाइम का मतलब वो अपना टाइम कैसे गुजारता है मिजबल। वाइल स्टेइंग इन लंडन मिज प्लेड फॉर आ घंटों खेलता है विद हिज ओन सेलेक्शन, अपनी सेलेक्शन ऑफ टॉयज की, अपनी वो मिजबल ने अपने ही टॉय सेलेक्ट कर लिए थे, ये मुझे इससे खेलना है। जैसे कि हिज फेवरेट टॉयज वर पिंग पोंग बॉल थी जो वो उछालता था, मार्बल कंचे थे, रबर फ्रूट्स थे, जो रबर फ्रूट्स होते हैं जैसे कि रबड़ के फ्रूट्स होते हैं एप्पल मैंगो वगैरह, दोस्त ये सारे के सारे नरेटर बोट खरीद के लाता है फॉर हिम नेटिव मार्केट से, यानी कि आसपास की किसी भी मार्केट से उसके लिए खरीद के लाता है। इस चैप्टर में बस यही है कि मिजबल का फेवरेट गेम क्या है, इस तरह भी आ सकता है कि वो किस तरह खेलता था, तो उसके लिए ये आंसर भी सुइटेबल है।